गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन. सो आई एम बैक हियर. फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको आज बताने वाली हूँ. जैसे काफ़ी फ्रेंड्स है, जैसे वर्किंग पीपल है, जैसे वर्किंग क्लास पीपल है, खासकर देखने जाए तो जो वर्किंग लेडीज़ के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगी, जैसे आजकल कैब की सर्विसेज जैसे काफ़ी फेमस है, जैसे मेरू कैब्स है, ओला है, उबेर वगैरह हैं. खासकर बताती हूँ जैसे ओला के बारे में, जैसे ये इंसिडेंट हो चुका है, खासकर ये मेरे साथ इंसिडेंट ये हो चुकी है, जहाँ पे ड्राइव आप कैब बुक करते हैं, कैब बुक करने के दौरान जो है आपको ड्राइवर जैसे पूछता है कि आपने कैश से पे किया कि ऑनलाइन पे किया है. जैसे कई लोग, जैसे मैं तो नॉर्मली ऑनलाइन ही पे करती हूँ, जैसे कई लोग जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है, जैसे कैश वगैरह की रखने की कोई झंझट ही नहीं, जहाँ पे आप बोलते हैं जैसे ऑनलाइन पे किया हो, तो कई बार ऐसा मुंह पे ड्राइवर झड़क के बोल देता है कि कैंसिल कर दो. ये हो चुका है, इनफैक्ट ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जो मुझे पहले आपसे शेयर करना चाहिए था, बट स्टिल आई टुडे आई विल शेयर यू विद दैट. जैसे ऑफिस से मैंने ओला बुक किया था, तो उसी टाइम पे तुरंत जैसे ड्राइवर ने पूछा कि आपने कैश से पे किया कि ऑनलाइन पे किया है. मैंने जैसे कह दी ऑलरेडी मैं ऑनलाइन पे किया हुआ है, तुरंत ही बीच रास्ते में मुझे उतार दिया गया. फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कभी भी ये इंसिडेंट हुआ है कि अगर आपके साथ जैसे ड्राइवर आपके साथ मिसबिहेव करता है, कि रूडली आपके साथ पेशाता है, फ्रेंड्स शांत मत बैठिए. कभी भी जो फीडबैक सेक्शन आता है, फीडबैक में आप साफ साफ लिखिएगा आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपको जो भी मतलब जो भी आपके साथ खराब हुआ है, सब कुछ आप मेंशन कीजिए. और इनफैक्ट जैसे कि ओला का अगर ऐप में देखेंगे, तो जैसे अभी कस्टमर केयर का नंबर तो आपको इजीली से लगता नहीं है, लेकिन उसमें एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आप पूरा हाईलाइट कर सकते हैं. उन लोग नॉर्मली जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से आपका आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल आता है, पर उस टाइम पे आप साफ साफ बोल सकते हैं इसमें कि जैसे अगर आपका बाई चांस फ़ोन वगैरह अगर ऑफिस में अलाउ नहीं है, तो एक डायरेक्ट ऑल्टरनेट नंबर आप शेयर कर सकते हैं. जैसे आपके घर पर जैसे अगर आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो आप जैसे उनका नंबर आप शेयर कर सकते हैं, उसमें ऑल्टरनेटिवली हमको साफ मेंशन कीजिएगा कि इस ऑल्टरनेट नंबर पे कॉल किया जाए. फ्रेंड, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो छुपाइएगा नहीं, साफ साफ उसको आप बताइएगा. आपने घर पे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप जैसे मैरिड हो, आपके हस्बैंड्स वगैरह, तो आप उनको जरूर से शेयर कीजिएगा इस टाइप का आपका इंसिडेंट हुआ है. एटलीस्ट वो लोग भी प्रिपेयर रहे. अगर आप बाई चांस, अगर आपके द्वारा अगर ये बाई चांस टैकल नहीं हो पाता, एटलीस्ट दे कैन हेल्प यू आउट. सो फ्रेंड्स, सेफ्टी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा. सो दिस वॉज द टॉपिक टू डिस्कस विथ यू टूडे. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये जरूर से टॉपिक आपने कभी शायद सुना नहीं होगा, बट दिस इज द फैक्ट विच हैज हैपेंड. सो प्लीज बी कॉशियस एंड बी सेफ. थैंक यू.